Good morning, everyone. Today, I am going to discuss with you question number four from exercise 10.2 class 10. Now, the question is You have to prove that the tangent drawn at the ends of a diameter PQ is the diameter and O is the circle of a circle are parallel. You have to tell that the tangent CD AB are the tangent, and you have to prove that CD is parallel to AB. ओके okay. सो so, कैसे करेंगे इसको देखो अब पैरलर के लिए तो बहुत सारे रूल होते हैं या तो आप ऑल्टरनेट एंगल ले आओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले आओ है ना या फिर कैसे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इनसे हमारे जो लाइंस होती हैं वो पैरलर हो जाती है अगर ये प्रूव हो जाए तो ठीक है सो so, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अभी ये हमारा सर्कल है ये टेंजेंट है तो डायमीटर है ये कंप्लीट डायमीटर है बट ओ पी एंड ओ क्यू आर द रेडियस अगर ये कंप्लीट डायमीटर है एंड ओ पी ओ क्यू आर द रेडियस अगर ये रेडियस है और पी हमारा पॉइंट ऑफ और क्यू हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है सो तो रेडियस से टेंजेंट पे क्या बनेगा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये नाइनटी का बनाएगी नाइन्टी का बनाती है सेम यहाँ पे ये नाइन्टी का बनाएगी तो क्योंकि हमें ये पैरलर प्रूव करनी है तो हम क्या करके चल लेंगे यहाँ पे हम ऑल्टरनेट एंगल का अपने माइंड में सेट करके चलेंगे तो ये नहीं होगा कुछ बजे करते इसका भी यही एंगल ले लेंगे इसका भी ये? नहीं ऑल्टरनेट करना है तो परपेंडिकुलर तो है ये भी नाइन्टी का होगा तो डेफिनेटली सी बात है ये भी नाइन्टी का होगा अगर इसका एक एंगल आप यहाँ पे नाइन्टी ले रहे हो तो सेकेंड का कहाँ पे लेना है लेफ्ट में एक का राइट right में लेंगे एक का लेफ्ट में ले लेंगे तभी ऑल्टरनेट होंगे ये ठीक है तो क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करते हैं सबसे पहले क्या कहेंगे सोल्यूशन देख लेते हैं भाई फिगर हमारे पास है जिसमें पी क्यू इज डायमीटर राइट एंड ओ इज सेंटर ठीक है भाई और क्या है हमारे पास ए बी एंड सी डी बी ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर डायमीटर पी क्यू पी क्यू ओके क्वेश्चन में क्या है ये सब कुछ गिवन था हमें सो so, यहाँ से क्या पता चल रहा है क्योंकि टेंजेंट जो हमारी होती है वो पॉइंट ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या बनाएंगी परपेंडिकुलर बनाएंगी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जो हमारी विद रेडियस होती है सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है ये परपेंडिकुलर होता है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी दैट मीन्स क्या हो जाएगा जो एंगल ए पी क्यू होगा वो कितने का होगा बेटा नाइन्टी डिग्री का सेम ये हमारी पी क्यू थी ये किस पे थी ए बी पे हमने शो किया सेम जो हमारी पी क्यू है वो किस पे है सी डी पे भी है अगर ये ए बी पे पर पेंडिकुलर है तो सी डी पे भी तो है हम यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू लेके नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें रिलेशन डायमीटर के साथ प्रूव करना है ठीक है डायमीटर के एंड पॉइंट ही तो है रेडियस करने की क्या जरूरत है डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं ये भी परपेंडिकुलर है सी पे तो आप लिखोगे पी क्यू ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी दैट मींस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ठीक है ये जो हमारा एंगल पी क्यू डी होगा एंड यहाँ पे जो हमारा एंगल क्यू पी ए या ए पी क्यू था वो क्या था नाइन्टी डिग्री तो ये कैसे है? देखने से ही पता चल रहा है इक्वेशन वन एंड टू आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा दोनों नाइन्टी नाइन्टी के दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी एंड बोथ आर देखने से ही पता चल रहा है वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड और यू कैन से ऑब्जर्व दैट बोथ आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल राइट सो ए बी पर पेंडिकुलर टू सी डी यही तो प्रूव करना था है न